बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को चिकन फ्राई करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से चिकन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑनियन लिया था और प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, लाइट सा ब्राउन किया है। इसमें मैंने फिर चिकन शामिल कर दिया है। अब थोड़ा सा चिकन को हम फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसको रेडी करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन चिकन कर लेंगे ताकि इससे चिकन की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत टेस्टी चिकन लगता है, होता है ना मसला वेल का, कुछ लोगों को इसकी वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो इसका चिकन स्मेल वगैरह होती है। ठीक है, ये देखें कि मैं लाइट ब्राउन इसको कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी तरह इसको फ्राई किया है। हल्का हल्का साथ अगर पानी की छींटे भी लगा दें ताकि प्याज जो है ना वो ना हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो। हल्के हल्के पानी के भी छींटे लगा लें ताकि प्याज जो है ना वो काला ना हो। ठीक है, अब मैं इनके इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन मैंने ऑलरेडी है ना ग्राइंड कर लिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब पेस्ट तकरीबन 2 स्पून मैंने इसके 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें पेस्ट ऐड कर दिया, क्योंकि 1 kg तक का मेरा चिकन है। इसमें जो है वो चिकन में मैंने है ना ज़्यादातर विंग्स और इसकी जो है ना वो नेक की जो बोटियाँ वगैरह वो शामिल की हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना चिकन का, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया है मैंने, बहुत स्लोली स्लोली। साथ मैंने पानी के छींटे लाजमी लगाने हैं क्योंकि इससे प्याज की जो है ना वो जलने का, लहसुन प्याज के जलने का खतरा है। मेरी वीडियो को आप जो जो मुझे मेरी इस वीडियो को देखेगा काइंडली आप ऐसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। सॉरी कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग एक क्लिक कर देंगे सब्सक्राइब के बटन से या आप लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करना चाह रही हूँ इस अपनी कुकिंग के हिसाब से। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी जो है ना वो दिखाने के लिए मैं जो कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मेरे पास जो है ना ये टमाटर कटे हुए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ साथ मैं मसाले भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, मसाले बहुत सिंपल मसाले होंगे, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ या रेडीमेड मसाले वगैरह मैं नहीं यूज़ करती। घर के जो किचन में मसाले होते रहते हैं वही इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा तंदूरी टाइप का चिकन बनेगा। इसलिए इसमें मैंने तकरीबन 1 kg में नमक ऐड किया है। ये देखिए, हाफ स्पून ये मेरे मसाले का जो स्पून है इसमें मैंने ये ऐड की है हल्दी,
वन स्पून तकरीबन पौन एक मिर्चों का है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा कम स्पाइसी रखती हूँ। इसको मैं मिक्स करती आ रही हूँ, ये अच्छे तरीके से मैरिनेट होता रहे, मसाला अच्छे से बने। है सब्ज़ धनिया, ये मेरे पास कूटा हुआ सब्ज़ धनिया है, ड्राई बिल्कुल मैं धनिया को कहती हूँ। एक चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, मसाले के डब्बे में जो चम्मच होते हैं उसी को एक भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। एक साथ इसको फ्राई करना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है, ताकि डंडे में इसको जो है ना वो मसाला ना लग जाए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू है, ठीक है, बहुत मज़े की खुशबू है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे पास एक मिक्स मसाला है, हांडी मसाला, ठीक है। ये मैं सर ये देखें, इसमें बहुत से मसाले मिक्स हुए हैं, ठीक है। ये एक चम्मच मैं इसमें ऐड करती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मसाला मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अभी मैं आपको जस्ट ये बता देती हूँ, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि इस मसाले को कैसे रेडी किया जाता है। बस आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को बहुत सी प्यारी प्यारी डिशेज बनाना सिखा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, यकीन करें, ये मैं आपको इस गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आप अगर जब ये बनाएंगे तो आप लोगों को भी फील होगा कि बहुत अच्छे से इसका है ना, चिकन में जो मसाले होते हैं बहुत अच्छे मैरिनेट हो जाते हैं, और जो नमक होता है मसालों का वो चिकन के अंदर पूरी तरह, ठीक है। ये बोटियाँ छीटे होटल होटल का मेरे तक आ रहे हैं, लेकिन मैंने भी इनको छोड़ना नहीं है, मैंने इनको पूरी तरह फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खुशबू, अरोमा इतना ज़बरदस्त है कि मज़ा आ जाएगा। चीज़ें बहुत सारी आ गई, लेकिन मज़े की चीज़ है ये, देखिए इतना ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला जो है नीचे। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल के दम पे लगा दूंगी, बाकी का इसको भुनाई बाद में करेंगे, ठीक है। इसको मैं कवर अप कर देती हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी, थोड़ा सा उसके बाद हम इसको फिर फ्राई करेंगे, और तब तक आप वेट करें जी। अब देखिए इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। इसमें एक चीज़ को और मैंने ऐड करना है, वो है दही, यानी कि दही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत प्यारी बनती है। ये देखिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है, और ये 3 इसमें सब्ज़ मिर्चें मैं ऐड कर दूंगी यूँ, और इसको फिर दोबारा दम पे लगा देंगे, 5 से 10 मिनट इसको दम पे रखेंगे। देखिए इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ, कितने ज़बरदस्त
इसको थोड़ा सा हम फ्राई और कर लेंगे ठीक है, ताकि ये जो है ना दही जो है अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। मैं चूल्हे को देती हूँ तेज़, उसकी फ्लेम कर देती हूँ और हल्का सा शोरबा बनाऊंगी, क्योंकि इसको हम नान के लिए खाएंगे, नान के साथ खाएंगे, इसलिए थोड़ी सी इसकी अंदर ग्रेवी वाला शोरबा लाजमी है, क्योंकि शोरबे पसंद करते हैं भुट्टे वगैरह खाना नान शोरबे में ठीक है। इसलिए देखिए इसका जो मीट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसकी जो है ना वो ग्रेवी आ जाए ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी जी। मेरा ये चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी मैं इसको डिश आउट करूंगी, फिर उसके बाद नान के साथ ये हम खाएंगे ठीक है। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर मेरे चैनल को, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। काइंडली आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी सी डिशेस भी बनाने सिखाऊंगी। ये उम्मीद है कि ये चिकन की रेसिपी आप लोगों को कुछ समझ में भी आई होगी, कुछ पसंद आई होगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।